लास्ट हमने चैप्टर नंबर 14 में एक्सट्रेसिंग सेमीकंडक्टर किए थे। एक्सट्रेसिंग सेमीकंडक्टर और उसके अंदर दो टाइप थे, पहला था एन टाइप और दूसरा था पी टाइप। एन टाइप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मोर देन नंबर ऑफ होल्स, और पी टाइप में नंबर ऑफ होल्स आर मोर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एन टाइप में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी थी और पी टाइप में थी ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी। याद है सबको ये? हेलो बेटा, याद है ये चीजें, पी टाइप एन टाइप, एवरीवन नोस? हाँ सर। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं इट्स कॉल्ड पी एन जंक्शन डायोड, पी एन जंक्शन डायोड। ये जो डायोड वर्ड है ये एक्चुअल दूसरी लैंग्वेज का वर्ड है। डाय का मतलब होता है टू इलेक्ट्रोड्स। दो इलेक्ट्रोड को सिंपली में बोलते हैं डायोड। डाय मतलब टू, पीछे ओ डी ई का मतलब होता है इलेक्ट्रोड्स, दो इलेक्ट्रोड। जब हम पी टाइप के सेमीकंडक्टर और एन टाइप के सेमीकंडक्टर को ज्वाइन करते हैं तो जो सिस्टम बनता है इट्स कॉल्ड पी एन जंक्शन डायोड। अब जैसे कि सपोज करो हम लोग दो सेमीकंडक्टर जोड़ते हैं, एक है पी टाइप सेमीकंडक्टर, दूसरा है एन टाइप सेमीकंडक्टर। सपोज करो दोनों का जो बेस है वो सिलिकॉन का है, मतलब मटेरियल सेम है सिलिकॉन, लेकिन जो पी टाइप सेमीकंडक्टर था उसमें ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी होती है। अब ट्राइवेलेंट का एग्जांपल हम ले लें एल्यूमिनियम, भी समझो यहाँ पे सारे एल्यूमिनियम है, ये सब क्या है? एल्यूमिनियम है, मैं अंदर इसमें लिख देता हूँ, इट्स कॉल्ड एल्यूमिनियम ने एल। अब मुझे बताओ एल्यूमिनियम के पास एक्स्ट्रा क्या होता था होल्स के इलेक्ट्रॉन? होल्स हर एल्यूमिनियम के पास एक एक्स्ट्रा होल होता था, ये सारे एल्यूमिनियम है, और हर एल्यूमिनियम के पास में एक छोटा सा होल अवेलेबल होता था। ये छोटा सर्कल ड्रॉ किया, ये इसका होल इंडिकेट करता है। अच्छा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होते थे। इलेक्ट्रॉन्स कितने होते थे? कुछ कुछ जगह थोड़े थोड़े, जो माइनॉरिटी होते थे, ठीक है। सेम टाइप जब एन टाइप आता है तो तुम्हें पता है एन टाइप के अंदर क्या होता था? फास्फोरस इम्प्योरिटी, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। तो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी जो होती थी, फास्फोर लेते हैं, उनके पास एक्स्ट्रा क्या होता था? वो एक्स्ट्रा होता था कि इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन, उनके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता, ठीक है। ये समझो हम बात कर रहे हैं फास्फोरस की। ठीक है, ये सारे फास्फोरस है, समझो बना देते हैं पी फास्फोरस।
ठीक है। अब हर फर्स्ट फर्स्ट के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता था, और सिंपल बात है इसके अंदर माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन होल्स भी होते थे, समझो ये है माइनॉरिटी होल्स, कहीं कहीं भी होंगे, कम होंगे लेकिन होंगे सही। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर है ये पूरा सिलिकॉन का सिस्टम है, और सिलिकॉन के इस वाले पोर्शन में हमने पी टाइप यानी कि एल्यूमिनियम डाल के रखा है, इस साइड एन टाइप यानी फॉस्फोरस डाल के रखा है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं एन टाइप के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और पी टाइप के पास इलेक्ट्रॉन कम है, क्योंकि होल जो है ना वो एक्चुअल में कोई पार्टिकल नहीं है, होल इज अ डेफिशिएंसी यानी कि खाली जगह, एम्प्टी स्पेस है। मतलब इस पूरे मटेरियल में हम देखें तो हमें ऐसा फील होगा कि यहाँ इलेक्ट्रॉन कम है, यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, मटेरियल एक ही है। अ सिंपल एग्जाम्पल दूं कि समझो एक बहुत बड़ा हॉल है, बहुत बड़ा हॉल, और बहुत बड़े हॉल में एक साइड बहुत सारे लोग खड़े हैं, समझो ये बहुत सारे लोग खड़े, एक साइड बहुत कम लोग हैं। तो सिंपल बात है जहां बहुत ज्यादा लोग होते हैं वो ट्राई करते हैं अपने आप को पीस में लाने का, शांति में लाने के लिए, तो वो धीमे धीमे मूव करने लगते हैं किस तरफ, जहां पर लोग कम हो। मतलब पूरे हॉल में लोगों की जो डेंसिटी होगी पूरी इक्वल करने की कोशिश होगी, हर जगह क्या हो सब इक्वली फैल जाए। सेम चीज यहां भी है, देखो राइट वाले पार्ट में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और लेफ्ट वाले पार्ट में इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो जो राइट वाले इलेक्ट्रॉन है इनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है, लेफ्ट साइड इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेंगे, इसको बोलते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस। जैसे सिंपल एग्जांपल तुम्हें पता हो भाई, सपोज करो कि ये एक गैस कंटेनर है दो साइड का और बीच में हमने एक वॉल लगाया हुआ है, इस साइड गैस फिल्ड है उस साइड गैस नहीं है। अगर मैं ये वॉल यहां से हटा दूं तो ये गैस यहीं रहेगी कि राइट साइड जाएगी? राइट साइड जाएगी। कब तक जाएगी राइट साइड? जब तक वो एरिया फिल ना कर दे, प्रेशर क्या हो जाए सेम हो जाए। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं, डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन का मतलब when particles move due to density difference, when particles moves due to density difference is known as diffusion। तो यहां भी ऐसा ही है कि यहां इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो राइट साइड ज्यादा है, लेफ्ट साइड कम है, तो इलेक्ट्रॉन मूव कहां से कहां करेंगे, राइट साइड से लेफ्ट साइड में। समझ में आई बात सबको, यहां तक कोई डाउट? नो सर। अब थोड़ी देर के बाद सिचुएशन क्या बन जाएगी देख लेते हैं, पूरा ध्यान। अब थोड़ी देर में सिचुएशन क्या बन जाएगी, ये जो होल्स हैं ये यहीं रहेंगे, मैं अब होल्स ही ड्रॉ कर रहा हूं, एल्यूमिनियम ड्रॉ नहीं कर रहा, ठीक है, और यहां पे थे इलेक्ट्रॉन्स, समझो यहां के पहला जो फर्स्ट फर्स्ट वाले हैं ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे, अगर जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां जाते हैं तो ये होल है ये इलेक्ट्रॉन को ऑक्यूपाई कर लेगा, ये इलेक्ट्रॉन इस होल में, ये इलेक्ट्रॉन इस होल में, ये इलेक्ट्रॉन इस होल में, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। अब अगर एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो एल्यूमिनियम का चार्ज क्या हो जाएगा,
नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, मतलब ये हुआ कि ये वाले पोर्शन में एल्यूमिनियम बन जाएंगे नेगेटिव, और फास्फोरस इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, फास्फोरस खुद कौन बन जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव, इसका सिंपल मीनिंग ये हुआ यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट होने लगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होने लगा। अब ये तो सिर्फ पास वाले इलेक्ट्रॉन गए, अब अगर पीछे वाले इलेक्ट्रॉन की बात करें, ये भी तो आगे जाने की ट्राई करेंगे क्योंकि यहाँ भी तो अभी भी डेफिशिएंसी अवेलेबल है, लेकिन जो पहले इलेक्ट्रॉन गए थे वो तो इजीली चले गए, लेकिन जब दूसरे इलेक्ट्रॉन जाने की तैयारी करेंगे तो ऑलरेडी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, पहले नेगेटिव चार्ज नहीं था, तो तुम्हें बताया नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन भी खुद नेगेटिव होते हैं, तो नेगेटिव नेगेटिव आपस में क्या करेंगे? रिपल्जन। अगर रिपल्जन करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ अगर ये इलेक्ट्रॉन को इसको पार करके यहां पहुंचना हो तो इसको इसके रिपल्जन जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, अगर इस इलेक्ट्रॉन के पास उतनी एनर्जी नहीं हुई इसको पार करने लायक तो ये इलेक्ट्रॉन वहां नहीं जा पाएगा, यानी इस सिंपल भाषा में यहां एक वोल्टेज की दीवार बन गई, कौन सी किसकी दीवार बन गई? वोल्टेज की दीवार बन गई। ये जो वोल्टेज की दीवार हमको यहां पे मिली है इसको नाम देते हैं डिप्लेशन लेयर, कौन सा लेयर? डिप्लेशन लेयर या फिर पोटेंशियल बैरियर। क्या वर्ड यूज करते हैं? पोटेंशियल बैरियर, मतलब ये हुआ ये एक वोल्टेज बन गया, क्योंकि ये बन गया नेगेटिव वोल्टेज, ये बन गया पॉजिटिव वोल्टेज। सपोज करो ये नेगेटिव है माइनस पॉइंट फोर, नेगेटिव कितना है? माइनस पॉइंट फोर। समझो ये पॉजिटिव है प्लस पॉइंट फोर, ये माइनस पॉइंट फोर, ये प्लस पॉइंट फोर, तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा? जीरो। डिफरेंस होगा 0.8, डिफरेंस पूछा मैंने बेटा, डिफरेंस समझते हो ना? पीडी मतलब पोटेंशियल का डिफरेंस, एक प्लस 0.4 है एक माइनस 0.4 है, तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा? इट बिकम्स 0.8 वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ इसकी एनर्जी होती है यू इक्वल, पता है फॉर्मूला क्यूवी, क्यू होता है समझो इलेक्ट्रॉन इंटू वी है 0.8, जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, तो ये बन जाएगा 0.8 ईवी। मतलब ये हुआ अगर दूसरे इलेक्ट्रॉन को यहां से पार करके वहां जाना हो तो उसको मिनिमम 0.8 ईवी एनर्जी चाहिए, अगर इतनी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन के पास नहीं होगी तो ये उस तरफ नहीं जा पाएगा, मतलब इस ये पोर्शन एक दीवार की तरह रिएक्ट करेगा। समझ में आए बेटा बात? ये क्लियर? तो ये जो डिप्लेशन लेयर बना है ये मोस्टली 0.5 माइक्रोमीटर का होता है, कितने का बनता है? 0.5 माइक्रोमीटर अप्रोक्स वैल्यू। इसके अलावा अगर ये पूरा सिलिकॉन का मटेरियल है तो इसके अंदर पोटेंशियल बैरियर बनता है 0.7 वोल्ट, अगर ये जर्मेनियम है तो ये बनता है 0.3 वोल्ट, मतलब अगर ये पूरा सिस्टम सिलिकॉन का है तो इस इलेक्ट्रॉन को वहां जाने के लिए 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए, अगर ये पूरा सिस्टम जर्मेनियम का बना है तो इलेक्ट्रॉन को वहां जाने के लिए 0.3 ईवी की जरूरत पड़ेगी। समझ में आई सबको बात बेटा? क्लियर एवरीवन? किसी को डाउट यहां तक? नो सर। तो ये जो पूरा सिस्टम बना एक साइड नेगेटिव एक साइड पॉजिटिव, इसको हम नाम देते हैं पीएन जंक्शन। क्या नाम यूज करते हैं? पीएन जंक्शन, मतलब पी टाइप और एन टाइप का जो जंक्शन बना एंड कॉल्ड पीएन जंक्शन डायोड। व्हाई इट इज कॉल्ड डायोड? क्योंकि यहाँ पे दो टर्मिनल बन गए, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, इसलिए इस सिचुएशन को बोलते हैं पीएन जंक्शन डायोड।
और हम इसको ऐसे इंडिकेट करते हैं, पहले एक स्ट्रेट लाइन, ऐसा ट्राइंगल, फिर ये ऐसी लाइन और फिर आगे लाइन। उसमें लेफ्ट वाले पोर्शन को बोलते हैं पी टाइप, आगे वाले पोर्शन को बोलते हैं एन टाइप। समझ में आया बेटा सबको बात? मतलब इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, इस सिंबल से। मतलब जहां भी ये सिंबल हो समझ जाना वहां पे क्या है, पी एन जंक्शन डायोड। कोई डाउट यहां तक? नो सर। सर हाँ बेटा बोलो। ये जो पहला वाला फिगर है ना, हाँ? और एक बार समझाओ। पहला वाला तो सिंपल है, पी टाइप के सेमीकंडक्टर एन टाइप के सेमीकंडक्टर हमने साथ में रखा है। पी टाइप में होल ज्यादा होंगे, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, और उसकी वजह से राइट साइड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो स्टार्टिंग वाले इलेक्ट्रॉन होल्स की तरफ मूव करेंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन होल्स की तरफ मूव करेंगे, ये वाला पोर्शन नेगेटिव बन जाएगा, और इलेक्ट्रॉन जहां से आए हैं वो पोर्शन बन जाएगा पॉजिटिव। तो इस तरफ नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, इस तरफ पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, तो इस सिस्टम को हम लोग नाम देते हैं डिप्लेशन लेयर या फिर पोटेंशियल बैरियर। इसकी विड्थ नॉर्मली क्या होती है, 0.5 माइक्रोमीटर। अगर सिलिकॉन है तो इलेक्ट्रॉन को यहां जाने के लिए मिनिमम इसके पास कितनी एनर्जी चाहिए, 0.7 वोल्टेज। अगर ये पूरा जर्मेनियम का बना होता तो हमें कितनी एनर्जी चाहिए, 0.3 वोल्ट। समझ में बेटा सबको बात, ये क्लियर एवरीवन? हाँ सर। सर हाँ बेटा बोलो। सर इसमें पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो सकता है? जनरेट हुआ ना 0.7, वही तो बोला ये सिलिकॉन 0.7 क्या है, डिफरेंस बिटवीन नेगेटिव पोटेंशियल एंड पॉजिटिव पोटेंशियल। तो सर इसमें से करंट पास हो सकता है? वो भी बाद की बात है, पहले ये तो समझो ये क्या है, ठीक है? हाँ ठीक। हाँ सर। अच्छा दूसरी बात ये कि इफ वी इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंप्यूरिटीज, क्या बढ़ाए हम लोग इंप्यूरिटी की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाए। इन यहां पे इंप्यूरिटी किसको बोलेंगे, ये पी और एन में इंप्यूरिटी कौन है बोलो, पी में इंप्यूरिटी कौन है, एन में इंप्यूरिटी कौन है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इम्प्यूरिटी मतलब कि अगर हम यहाँ पे एल्यूमिनियम ज्यादा बढ़ा दें, होल ज्यादा बढ़ा दें, और यहाँ पे फॉस्फरस ज्यादा बढ़ा दें यानी कि इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा बढ़ा दें, तो क्या होगा, ये जो पोटेंशियल है ना डिप्लेशन लेयर, इसकी विड्थ है ना कम हो जाएगी। मतलब देन विड्थ of potential barrier decreases, याद रहेगा उसकी विड्थ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सर डिक्रीज कैसे होगी? क्योंकि पहले समझो तीन इलेक्ट्रॉन है, तीन प्रोटॉन है, ठीक है? अगर चार इलेक्ट्रॉन चार प्रोटॉन होंगे, समझो यहां पे बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो बढ़ने से क्या होगा कि छोटी जगह में ही हमको उतने इलेक्ट्रॉन उतने पॉजिटिव चार्ज मिल जाएंगे जिससे 0.7 वोल्टेज तैयार हो जाए, क्योंकि 0.7 है तो वोल्टेज, एंड वोल्टेज डिपेंड ऑन चार्ज। अगर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा तो छोटी जगह में भी उतना चार्ज हमको मिल जाएगा, इसलिए कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने से छोटी जगह में ही 0.7 वोल्टेज रेडी हो जाएगा, क्योंकि हमको एक्चुअल में क्या बनाना है, 0.7 वोल्टेज। अगर कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, बाय चांस कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, तो सिंपल बात है हमको चार्ज के लिए जगह बढ़ानी पड़ेगी। गॉट इट? यस। एक और बात, इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, जैसे अभी समझो ये मैं वर्टिकल लाइन ले रहा हूं, ठीक है? ये समझो तुम्हारा पी टाइप है, और यहाँ पे तुम्हारा कौन सा है, एन टाइप है, और ये जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है ये डिप्लेशन लेयर है, जिसकी वैल्यू मैंने बताया 0.5 माइक्रोमीटर के आसपास। ठीक
ठीक है, इसको मैं बीच में एक डॉटेड लाइन भी बनाता हूं। ये सेंटर लाइन है, ठीक है। इसमें अगर मैं यहां पे एक और लाइन ड्रॉ करूं हॉरिजॉन्टल, ये इंडिकेट करती है 0 वोल्ट। तो पी टाइप में वोल्ट नेगेटिव है, तो हम लोग इसको दिखाएंगे यहां पे नेगेटिव, और एन टाइप में वोल्टेज पॉजिटिव है तो ये दिखाएंगे पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव इस साइड ऐसे जाएगा, ठीक है। इसको मैं यहां ड्रॉ करता हूं, ये लाइन पॉजिटिव। समझ में आई सबको बात? ये ना ये डिस्टेंस है कहां से कहां, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। तो ये सबसे जो लेटेस्ट पॉइंट है यहां पे पोटेंशियल एकदम नेगेटिव होगा, जैसे जैसे आगे आएंगे पोटेंशियल नेगेटिव से हो जाएगा जीरो, यहां जीरो हो जाएगा बीच वाली लाइन पे। जैसे और आगे जाएंगे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। आई बात समझ बेटा? क्लियर एवरीवन? यस सर। अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाऊ, इंक्रीज कर दू कॉन्सेंट्रेशन, तो जो 0.5 माइक्रोमीटर ये कम हो जाएगा, और अगर कॉन्सेंट्रेशन कम कर दूं तो 0.5 माइक्रोमीटर बढ़ जाएगा। क्लियर एवरीवन? सबको समझ में आ गई बेटा बात? यस सर। तो एक बार काम करो, ये पूरा अच्छे से पहले एक बार लिख लो, फिर मैं तुम्हें एक रीडिंग कर लेंगे देता हूँ, तुम्हें रीड भी करना है। पहले लिख लो, लिख के मुझे मैसेज करो फास्ट, मतलब ड्रॉ करके मुझे मैसेज करो।